नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के प्रथम बजट विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत के नवनिर्माण के संकल्प का बजट है, जो देश के प्रमुख चार वर्गों जातियों, किसान, युवा, गरीब और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है, जो आने वाले समय में विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करेगा। इससे किसानों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा के साथ साथ कम से कम 50% लाभ के वादे को सुनिश्चित किया गया है। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता हनुमान सिंह पालवास का। उनका कहना है कि लाभ के वादे को ये बजट सुनिश्चित कर रहा है और युवाओं के लिए 5 नई योजनाओं सहित 4.1 करोड़ युवाओं के लिए आने वाले 5 सालों में रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा सहित 1.48 लाख करोड़ रुपए रोजगार, कौशल और शिक्षा के लिए आरक्षित किए गए, जिससे आने वाले समय में युवाओं की स्वरोजगार और कौशल के प्रति उत्सुकता बढ़ेगी। पीएम गरीब कल्याण योजना 5 सालों तक बढ़ाकर गरीबों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है, जिससे देश के 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वंदे मातरम मित्रों, आज का केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेश बजट विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का बजट है, जिसमें देश की चार प्रमुख वर्गों, देश की प्रमुख चार जातियां, महिला, किसान, युवा और गरीब को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है, जिसमें गरीबों के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 5 साल तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस योजना का हमारे देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा, जो आने वाले दिनों में अपने आप में एक वरदान साबित होगा। अगर किसानों के संदर्भ में अपन बात करें तो आज के इस बजट में हमारे किसान भाइयों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है, जो लागत से कम 50% मार्जिन लाभ के वादे को सुनिश्चित करती है। इससे हमारे किसान भाइयों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, इससे हमारे किसान भाइयों को जो खेती में जो संसाधनों में उनको जो लाभ मिलेगा वो उनके जीवन स्तर को बढ़ाने वाला एक सुनहरा अवसर साबित होगा। अगर युवाओं के संदर्भ में अपन बात करें तो केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए 5 नई योजनाओं सहित 5 वर्षों में हमारे देश के 4.1 करोड़ नौजवानों के लिए कौशल और रोजगार के अवसर विकसित किए गए हैं, और साथ ही आने वाले समय में 1.48 लाख करोड़ रुपए का युवाओं की शिक्षा, कौशल और रोजगार के लिए ये इस बजट की व्यवस्था की गई है, जिससे हमारे युवाओं को कौशल में, शिक्षा में और आत्मनिर्भर रोजगार में उनको एक सुनहरा अवसर मिलेगा। अगर अपन बात करें हमारे देश के एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग के लिए, तो एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए भी इस हमारी केंद्र सरकार ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का इसमें प्रावधान रखा है, जो हमारे देश के पीड़ित, शोषित, वंचित और गरीब तबके के लोग हैं उनका जीवन स्तर बढ़ाने में बहुत बड़ा एक कार्य साबित होगा। और मैं ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि आज का जो बजट है वो हमारे किसानों के लिए समर्पित बजट है, हमारे गरीबों के लिए समर्पित बजट है, देश के युवाओं के लिए समर्पित बजट है, महिलाओं के आत्मसम्मान का ये बजट है, महिलाओं की सुरक्षा का ये बजट है, महिलाओं के स्वाभिमान का ये बजट है। कुल मिला के ये देश के एक नवनिर्माण का बजट है और आने वाले दिनों में एक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट साबित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आदरणीय केंद्र सरकार का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वंदे मातरम मित्रों।